जय जोहार किसान भाइयों, ब्लू रेवोल्यूशन फिश फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। सर्दियों में मछली पालन व्यवसाय में मछली और तालाबों की देखरेख एवं प्रबंधन की खास जरूरत होती है। ज्यादातर मछली पालक इस मौसम में ध्यान नहीं देते हैं। जितनी लागत मछली पालक लगाता है उससे मुनाफा भी नहीं मिल पाता है। ठंड में खासकर नवंबर दिसंबर और जनवरी माह में मछली पालकों को अपने तालाबों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि सर्दियों में अक्सर तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में मछलियां मरने लगती हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ठंड के मौसम में मछली और तालाब का उचित प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं। किसान ध्यान रखें, तालाब में लगभग 1.5 मीटर तक जल स्तर बनाए रखना आवश्यक है, जिससे हमारी मछलियों को कोई प्रतिकूल प्रभाव ठंड की वजह से न पड़ने पाए। साथ ही साथ तालाब के चारों किनारों पर उगे घास फूस को साफ कर लें, ताकि इनमें छिपे हानिकारक जीव जंतु हट जाएं। पीएच मान के आधार पर तालाब में लगभग 300 किलोग्राम चूने का प्रयोग प्रति हेक्टेयर की दर से करें। सर्दियों के मौसम में हर 15 दिन के अंदर तालाब में जाल चला चलाकर मछलियों की जांच करते रहें। मछलियों को जब आप हाथ में लेकर देखेंगे, अगर वो किसी बीमारी का शिकार है तो इसका पता लग जाता है। वहीं मछलियों के आहार पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। सर्दियों के मौसम में मछलियां सुस्त पड़ जाती हैं और कम गतिविधि करने लगती हैं, इसलिए मछलियों को बहुत ही कम भोजन देना चाहिए। ठंड के मौसम में भी मछलियों से अच्छा उत्पादन पाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारी मछलियां सर्दियों में कम भोजन करती हैं। जो मछलियों का भोजन होता है उसको 100-200 ग्राम शाम को भिगोकर गेंद की तरह गोला बना ले और प्रतिदिन एक निश्चित समय तालाब के किसी एक कोने पर ट्रे में रखकर भोजन कराएं। इसके अलावा डिमांड फीडिंग होती है, जिसमें बोरी में जो भी दाना उस तालाब में डालना है उससे भर लेते हैं और गर्म रॉड से बोरी में छेद कर लेते हैं, जिससे मछलियों को भोजन मिलता रहता है। इस विधि से उतना ही भोजन मछलियां खा पाती हैं जितना उसको जरूरत होती है। इससे भोजन बेकार भी नहीं जाता। तालाब में 15 दिन या एक महीने में थोड़ा ताजा पानी डालते रहें और पुराना पानी को लगभग 1/4 या उससे कम निकाल दें। तालाब में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए तालाब में ऊंचाई से पानी डालते रहिए। यदि आपके पास एरेटर है तो प्रतिदिन 1 से 2 घंटे चलाते रहें। ठंड के मौसम में मछली पालकों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे ठंड के समय में सभी मछली पालक तालाब से मछली निकाल कर बेचते हैं, मछली बाजार में मछली की कीमत घट जाता है और मछली पालक को अधिक मुनाफा नहीं होता। अगर आपके पास पंगास मछली है तो ठंड का मौसम आने से पहले ही इस मछली की बिक्री कर लें, क्योंकि ठंड के मौसम आते आते बहुत सारी मछलियों में मोर्टलिटी देखने को मिलता है। जैसे ही इन मछलियों की कीमत बढ़े, तालाब से मछलियों को निकालें और बेच दें। कई बार मछलियों में बीमारी हो जाता है। अगर ऐसा लगता हो उन्हें नियंत्रण करना मुश्किल है, ऐसे समय में मछलियों को निकाल लें और बाजार में बेच दें। जब आपकी मछलियां 1 किलो या उससे अधिक हैं तो उनको निकालें और बाजार में बेच डालें, नहीं तो बाद में आपको अच्छी कीमत नहीं मिलेगी।